दीपक दिले कुछ है देख राग भी समझ भी मैं जितना इतना देना से काम करी चल चल हेलो 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 के चंचर तपे सूरज तपे और उद्गण तपे इन सबसे बढ़कर तपे मारी सतियों का सुप्रकाश जय जय श्री रानी सती सदर्भ पूजया चरण कमल धरो ध्यान में तोरण बहुवार आज भी तेरा सिरा और कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा सिरा तुझे पूजू बार बार माए पूजू बोले श्री रानी सती दादी सती दादी की लटल छत्र महाराणी छत्र महारानी की बोले जगदम्बे राज रानी की आइए आइए सभी मिलकर प्रार्थना दादी जी के श्री चरणों में एक साथ सारे मिलकर गाते हैं मिलकर गाते हैं मेरी झूझने वाली माँ बड़ा प्यारा लगे तेरा नाम है मेरी झूझन अच्छा एक चीज पूछू थारा से उदयपुर में दादी जी को कीर्तन पहली भी होयो है कितनी बार तीन चार बार हो गयो और ते तीन चार बार में प्रण बना लिया कि दादी को मंदिर बना रहा बना लिया ना तीन चार बार में थारे मन में इच्छा होगी कि दादी को मंदिर बन जाना चाहिए और दादी जी भी देखो इसके लिए थारे घर जोत लेकर के आई है क्योंकि जोत भी स्थान पर जावे जिस स्थान पर दादी को मंदिर बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली रहे या मंदिर की जमीन ले ले वापा नींव रखा लेकिन थारे अटक तो मंदिर बनने को केवल मन में विचार आयो कि दादी जोत लेकर आ गई बोली मैं तैयार खड़ी हूँ खाली थैलों की तैयारी चाहिए और थारी तैयारी पूरी है मैं बोलने की बात को नहीं एक साल के अंदर अंदर दादी विराजमान हो जाओगी पक्की बात है आओ दादी से प्रार्थना करा सारा मिलकर एक साथ मेरी झूझने वाली माँ बड़ा प्यारा लागे तेरा नाम है मेरी झूझने वाली बहुत कम स्थान ऐसा होता है जहाँ पर भक्तों की आवाज ज्यादा जोर है क्योंकि बड़ा माइक की आवाज आवे कोनी तो थारी आवाज आनी जरूरी हो जाए गाओ एक बार जब जब तेरे नाम को मैंने इस वाणी से गाया जब जब तेरे तेरे
पर जीवन के सारे सारे साथी जन के सारे संकट का पल में हुआ सफाया हा मेरी झूझड़ वाली बड़ा प्यारा लागे तेरा मेरी झूझड़ वाली माँ बड़ा तेरा हमारे कुछ भाइयों ने पीछे से शिकायत की भाई साहब पीछे आवाज को नहीं आ रही तो थे आगे आ जाओ आवाज आ जाओगी था पीछे क्यों बैठे होते आगे आ जाओ थाने की आवाज आ जाओगी बढ़िया से जितना जल्दी नजदीक आओगे उतना ज्यादा आनंद होगा आगे आके बैठो आ जाओ और जरा तालियां बजा के एक साथ जोरदार प्रेम से बोलो सारे बोलो जरा मिलकर बोलो आ गई दादी सब दर्शन कर लो मेरी झूझट बाजे अब एक हाथ अपने परिवार के लिए और दूसरा दादी जी के लिए उठाना नहीं ये तालियां बजानी जोरदार एक साथ मिलके और आया तुमसे मांगते हो
सब तैयार है घर में, लेकिन काम करने में चार चार नौकर रख बैठा आप। बिल्कुल बोलने की बात तो नहीं, बिल्कुल जरूरी। सेठानी आपने भी सेठानी बना दी के लिए आप घर में काम करने के लिए चार नौकर रख बैठा। जब काम हो तुरंत दाजरी बजाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आप एक ही नौकरी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि एक ही नौकरी कर सकते हैं आप पांच छह चार बन कर रहे हो, वरना बनी रहने वाला ना। तो जिन्हें नौकरी करनी है फिर बोलो एक साथ, कुछ और ही मैं आया तुमसे पाने, कुछ और ही मैं आया तुमसे पाने, कुछ नौकर रख ले दादी जन